आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से किया कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। कहा, 5 और शहरों में मेट्रो का DPR तैयार या अंतिम चरण में, अब लोगों को मिल सकेगा सुगम यात्रा का मौका। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्या, दिए निस्तारण के आदेश। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का हुआ शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना से बनेगा समर्थ भारत विषय पर वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत का DNA एक है, इसलिए पूरा देश भी है एक। आर्य द्रविड़ का विवाद बेबुनियाद। चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र का CCTNS से सत्यापन कराने के बाद ही आवेदक को कराया जाए उपलब्ध। ADG जोन ने कहा, पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाने की है जरूरत। प्रदेश के राहत आयुक्त एवं सचिव रणवीर प्रसाद ने शनिवार को जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। कहा, स्थानीय नाविकों को आधुनिक संसाधनों से किया जाएगा लैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला व महानगर इकाई के 71 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रक्तदान कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ। ADG जोन की पहल पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद हुई शुरू। कहा, कार्य योजना बनाकर सुधारी जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों का भी लिया जाएगा सहयोग। जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए SSP ने 448 पुलिसकर्मियों का किया अंतर जनपदीय तबादला। SSP ने कहा, रविवार को जनपद के सभी पुलिसकर्मी अपने अपने थानों पर करेंगे श्रमदान। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को भटट ब्लॉक के जैतपुर गांव में लगाया गया चौपाल। चौपाल में आई समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। कहा, गाँव में चलेगा सफाई का विशेष अभियान। महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 18वीं बैठक हुई संपन्न। 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। नगर निगम के नए सदन भवन में ब्रह्मलीन राष्ट्र संत अवैधनाथ की प्रतिमा लगाने का लिया गया निर्णय। नवागत ADMCT विनीत कुमार सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। कहा, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना ही होगा पहली प्राथमिकता, अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर रहेगी विशेष नजर। जनपद आगमन पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। अध्यक्ष ने नाव चलाकर स्कूल जाने वाली छात्रा संध्या को साइकिल व नगद धनराशि देकर किया सम्मानित। कहा, 2022 में बनेगी सपा की सरकार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए हाइपोक्लोराइड का कराया जा रहा है छिड़काव। पशुओं का भी किया जा रहा है टीकाकरण। CDO ने दी जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष के जनपद में आगमन पर कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विधानसभा 2022 के चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 70 केंद्रों पर कुल 17,540 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 1,610 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,930 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में महापौर ने किया पौधरोपण। कहा, पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है ऑक्सीजन। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर शनिवार को कथा व्यास श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर ने व्यासपीठ से सुनाई ध्रुव के जन्म से स्वर्ग गमन तक की कथा। भाव विभोर हुए श्रोता। कहा, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति और याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। गोरखपुर में शनिवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 14 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य, लगातार घट रहा है नदियों का पानी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, फसलों के नुकसान का मुआवजा देगी सरकार।